दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। वी हैव थ्री इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं जो कि लेटेस्ट हैं, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दीज। बात करेंगे इसमें डिटेल में, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इज़ फॉर डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर्स के लिए है, जो कि काफ़ी टाइम से देर वॉज अ डिमांड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रिटायरमेंट एज। जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज थी उसकी एक्सटेंशन के लिए काफ़ी दिनों से डिमांड थी। सो वी हैव एन अपडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ रिटायरमेंट एज। आप देख सकते हैं कि ये है वो इम्पॉर्टेंट अपडेट। आई विल शो यू द ऑफिस ऑर्डर, आपको ऑफिस ऑर्डर भी मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि यू कैन कन्फर्म। सो एक्सटेंशन ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स एंड ट्रैवल इंटाइटलमेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेंटल डॉक्टर्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दे हैव बीन प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू सर्व द गवर्नमेंट अप टू 65 ईयर्स। मतलब अब वो 65 ईयर्स तक जो है जॉब कर सकते हैं अंडर सर्टन कंडीशन ऑन देयर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ पोस्टिंग टू अ क्लिनिकल पोस्ट। सो ये डेंटल डॉक्टर्स के लिए है जो कि 65 ईयर्स तक अब सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। और ये भी है कि दोज डॉक्टर्स बिलोंगिंग टू IRMS एंड डेंटल डॉक्टर्स हु ट्रांसफर टू क्लिनिकल ड्यूटीज ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स, उनको दे विल कैरी देयर ट्रैवल इंटाइटलमेंट्स इन द सेम मैनर। जो डॉक्टर्स जिनको कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था टू क्लिनिकल ड्यूटीज़, जिन्होंने 62 ईयर्स की एज अटेन कर ली थी, उनको जो है ट्रैवल इंटाइटलमेंट सेम मैनर में मिलता रहेगा। तो अल्टीमेटली अपडेट किसके लिए है, दिस इज़ फॉर रिटायरमेंट एज ऑफ डॉक्टर्स और ट्रैवल इंटाइटलमेंट्स। जो 62 ईयर्स का जिन्होंने अटेन कर लिया, उनको जो ट्रैवल इंटाइटलमेंट है दैट विल बी गिवन एज इट वॉज गिवन बिफोर। जो पहले दिया जा रहा था वैसे इनको अब दिया जाएगा। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड अपडेट, जो सुबह का जो दूसरा अपडेट है वो हम बात करेंगे उसमें। उसमें आप देख सकते हैं कि ये पेंशनर्स के लिए है जो कि प्री 2016 रिटायरीज हैं, जिनको ये बात करेंगे कि भाई जो प्री 2016 रिटायरीज हैं, दे आर फेसिंग इश्यूज इन गेटिंग देयर पेंशन, रिवाइज पेंशन प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि नॉन ग्रांट ऑफ रिवाइज पेंशन, जो सेवन्थ पे कमीशन का जो रिवाइज पेंशन है, अभी तक इन प्री 2016 रिटायरीज को नहीं मिला, दे आर नॉट गेटिंग। उसी से रिलेटेड जो है NFIR जो है ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव रिटन लेटर, दे हैव रिक्वेस्टेड रेलवे बोर्ड टू मेक एडुकेट प्रोविजन इन द अर्पण सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या है कि इनका एक अर्पण एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सारा का सारा जो है पेंशन मैनेज होता है, ऑल द पेंशन इज मैनेज यूजिंग द सॉफ्टवेयर। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर जो है अपडेट्स नहीं है, सो दैट दे कैन एकोमोडेट दिस रिविजन ऑफ पेंशन फॉर प्री 2016 रिटायरीज। जो प्री 2016 रिटायरीज हैं उनकी जो पेंशन का जो रिवीजन है उसको अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से दे आर मैनी पेंशनर्स हु आर फेसिंग द इश्यूज जो रिवाइज पेंशन का है। इसीलिए जो है NFIR ने दे हैव रिटन लेटर, उन्होंने लेटर लिखा है जोनल रेलवेज को कि दिस इज़ द इशू फेस्ड बाय प्री 2016 रिटायरीज। जो प्री 2016 रिटायरीज हैं उनको इश्यूज फेस आ रहे हैं, तो और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो ये अर्पण सॉफ्टवेयर है इट शुड बी चेंज। तो बेसिकली जो अपडेट ये है कि जो सेवन्थ पे कमीशन का जो रिवाइज पेंशन है वो अभी तक जो है काफ़ी रनिंग स्टाफ जो हैं उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और उसका इशू ये है क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू सारा चीज़ मैनेज होता है, और ये बेसिकली रेलवे डिपार्टमेंट के लिए है। तो इसीलिए NFIR ने जो है एक लेटर लिखा है जिसके थ्रू ये प्रॉपर जो पेंशनर्स के ग्रीवेंस है वो मेंशन किया है, और रेलवे बोर्ड से कहा है कि जल्दी जल्दी इसको रेक्टिफाई किया जाए। दोस्तों, ये था दूसरा अपडेट जिसमें कि पेंशनर्स के लिए जो है जो नॉन जो रिवाइज पेंशन है, दे आर फेसिंग इश्यूज इन गेटिंग दैट रिवाइज पेंशन। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इशूज़ जो है
जिसमें कि रेलवे बोर्ड ने प्रपोज द इंक्रीज ऑफ अलाउंस टू ऑल द रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़। जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनका अलाउंस इंक्रीज़ करने की बात की गई है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के। सो दीज आर थ्री बेसिक अपडेट। फर्स्ट अपडेट है जो डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की एज और ट्रैवल इंटाइटलमेंट। सेकेंड अपडेट इज़ फॉर इशू ऑफ नॉन ग्रांट ऑफ रिवाइज पेंशन एंड थर्ड इज़ फॉर द इंक्रीज़ इन द अलाउंस। तो दोस्तों ये थे आज सुबह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।